सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल मुद्दे पर सुनवाई आज। जस्टिस अनिल आर दवे की अगुवाई में बनी एक 5 सदस्य संवैधानिक पीठ में आज पंजाब के तर्क पर केंद्र सहित 5 प्रदेश देंगे जवाब। राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा ने दोहराया है कि वो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल चैनल के ब्लैकआउट करने का मुद्दा उच्च सदन में जोर शोर से उठाएंगे और 12,000 करोड़ के फूड ग्रेन घोटाले में भी पंजाब सरकार को घेरेंगे। जेलों में हुई छापेमारी पर बाजवा ने कहा कि पंजाब के सबसे बड़े गैंगस्टर सुखबीर बादल और मजीठिया हैं। पंजाब पुलिस की तरफ से सूबे की अलग अलग जेलों में छापेमारी की गई। संगरूर, गुरदासपुर और पटियाला की जेलों में रेड के दौरान बड़ी संख्या में बरामद हुए मोबाइल फोन और सिम कार्ड। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मुक्तसर के गिदरबाहा में पोस्टर लगाने पर अकाली दल के वर्कर्स ने उनके साथ मारपीट की है। संबंध में आपने पुलिस को शिकायत दी, रोष प्रदर्शन किया। कुमार विश्वास ने पंजाब के नशे पर लिखा गीत लॉन्च किया है। कुमार विश्वास का बयान, नशा मुक्ति केंद्रों में लगाएंगे गीत से होने वाली कमाई। आम आदमी पार्टी के नेता गुरप्रीत घुग्गी ने कहा कि दिल्ली में पियाऊ तोड़ने को लेकर पार्टी को बदनाम करने में नाकाम रहने के बाद अब विरोधी पंजाबी भाषा को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। गुरप्रीत ने कहा कि जेलों में हुई रेड से साफ है कि यहां से माफिया ऑपरेट हो रहा है। अब सहजदारी सिख नहीं ले पाएंगे एसजीपीसी के चुनावों में हिस्सा। राष्ट्रपति ने दोनों सदनों में पास हुए बिल पर लगाई मुहर। कुछ दिन पहले गुरुद्वारा एक्ट 1925 के संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हुए थे। मीडिया के इतिहास का काला दिन, सच दिखाने के लिए पंजाब में एक निजी केबल ऑपरेटर ने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल किया ब्लैकआउट। सियासतदानों और लोगों ने जताई नाराजगी। हम पंजाब की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं, सच दिखाते रहेंगे। आज लोकसभा और राज्यसभा में उठ सकता है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को पंजाब में ब्लैकआउट करने का मुद्दा। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उठा सकती है मुद्दा। लुधियाना में बेंस ब्रदर्स निजी केबल ऑपरेटर के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के ब्लैकआउट के विरोध में जनता भी करेगी प्रदर्शन। भटिंडा के गांव लहरा धुरकोट में टंकी पर चढ़े बेरोजगार 25 टीचर्स, नौकरी की मांग को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी। प्रदर्शनकारी टीचर्स ने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में खाली है 40,000 के करीब पोस्ट। लुधियाना में बेखौफ बदमाश दिन दिहाड़े कारोबारी के दफ्तर में घुसकर बदमाशों ने धारदार हथियारों से किया कारोबारी पर हमला। बचाव करने उतरे भाई को भी बनाया निशाना। दोनों भाई अस्पताल में भर्ती, जांच में जुटी पुलिस। नेशनल हेराल्ड केस में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ हरियाणा विजिलेंस डिपार्टमेंट ने केस दर्ज कर लिया है। 2005 में नियमों की अनदेखी करके एसोसिएटेड जर्नल को पंचकुला में जमीन आवंटित करने का आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर पर शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर लगाया बदले की भावना से काम करने का आरोप। मुख्यमंत्री खट्टर बोले, विजिलेंस कर रही है अपना काम। हरियाणा में निवेश बढ़ाना है प्रदेश सरकार का मकसद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, निवेशकों और उद्योगपतियों को राज्य में बेहतर निवेश का माहौल देने की हो रही है कोशिश। आने वाले दिनों में सरकार साइन करेगी और ज्यादा एमओयू। कांग्रेस का इनेलो पर निशाना, प्रदेश सरकार को भी आड़े हाथों लिया। कहा विपक्ष की जगह सरकार के सहयोगी दल की भूमिका निभा रही है इनेलो। मुख्यमंत्री का बयान, विजिलेंस कर रही है अपना काम। पटौदी की रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़े ऐलान किए हैं, लेकिन रैली में मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने उठाए अपनी ही सरकार पर सवाल। बोले, प्रदेश सरकार वायदे तो करती है लेकिन अधिकारी पूरे नहीं करते। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के ज्वेलरी शोरूम में हुई 14 करोड़ की लूट के मामले में शोरूम के दोनों मालिक ही आरोपी निकले। पुलिस ने लूट का केस हटाकर दोनों शोरूम ओनर
रजनीश वर्मा और उनके छोटे भाई विनोद वर्मा पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। चंडीगढ़ सेक्टर 44 के एक ब्यूटी सलून की पहली मंजिल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। यह हादसा बिजली के मीटर में आग लगने की वजह से हुआ है, जिसमें पार्लर का सारा सामान जलकर राख हो गया। जींद के गांव बुढ़ाखेड़ा लाठर में एक सांड कुएं में जा गिरा। जेसीबी मशीन की मदद से काफी मशक्कत के बाद सांड को कुएं से बाहर निकाला गया। मंडी के जोगिंद्रनगर के पास एचआरटीसी बस हादसे का शिकार, 12 की मौत, 40 से ज्यादा यात्री घायल। प्रदेश सरकार ने किया मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान। घायलों का खर्च भी सरकार उठाएगी। राजधानी शिमला के बाद अब हिमाचल के 10 जिलों और 38 तहसीलों में भी मिली वर्मिन घोषित बंदरों को मारने की इजाजत। प्रदेश सरकार की मांग पर केंद्र ने बंदरों को 1 साल के लिए वर्मिन घोषित किया। कश्मीर में सैनिकों के लिए अलग कॉलोनी की मांग पर सियासत शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने श्रीनगर के जिला प्रशासन से उन जमीनों की पहचान करने को कहा है, जहां सैनिकों के लिए कॉलोनी बसाई जा सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का आरोप है कि कश्मीर में सैनिक कॉलोनी बनने से राज्य का सामाजिक ढांचा बदल जाएगा। आज से उत्तराखंड में चार धाम में दर्शन की हो रही है शुरुआत। यात्रा से पहले उत्तराखंड के चमोली और पिथौरागढ़ में फटा बादल। बद्रीनाथ हाईवे बंद, 11 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। देश में बढ़ रहे लंबित मामलों पर एक बार फिर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि पेंडिंग केस निपटाने के लिए 70,000 जजों की जरूरत है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भी चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने ये मुद्दा उठाया था।